शिमला के गेटी थिएटर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर लघु फिल्में दिखाई जाएगी। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इसी के तहत शुक्रवार को स्कूली बच्चों को पानी के संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर 20 लघु फिल्में दिखाई गई। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को विभिन्न विषयों पर लघु फिल्में दिखाई जा रही है। कार्यक्रम का मकसद लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाना और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। CSMR फाउंडेशन दिल्ली के ट्रस्टी नरेंद्र यादव ने बताया कि दो दिनों तक स्कूली बच्चों को पानी के संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर फिल्में दिखाई जा रही हैं, ताकि बच्चे पानी के बचाव के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि इस बार होली के दूसरे दिन ही विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, इसीलिए पानी के बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। हिमकोस्टे के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ के साथ मिलकर दो दिवसीय बच्चों के लिए एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। आज विश्व जल दिवस है, तो काफ़ी फिल्में हम पानी के ऊपर लेके आए हैं, जिससे बच्चों को जागरूकता वाटर कंजर्वेशन के ऊपर मिले। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिल्में होंगी और कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बच्चे अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कैसे एनवायरनमेंट को के साथ कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो चाहे पानी बचाना हो, चाहे वेस्ट कैसे डिस्पोज करना है वो हो, तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हमने बच्चों के लिए ऐसी फिल्में लाए हैं जो खुद समझ सकें और उनको अपनी ज़िंदगी में उन पहलुओं को आगे बढ़ा सकें, और जिससे वो एनवायरनमेंट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बढ़ें और ग्रो करें। यह इस फेस्टिवल का मकसद है। दो दिन के अंदर हम लगभग 20 डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स बच्चों को दिखाने वाले हैं विभिन्न विषयों के ऊपर, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और हमने कोशिश ये की है कि सिर्फ हम ना सिर्फ समस्याओं को उजागर करें, चैलेंजेस को उजागर करें, साथ ही साथ ये भी बताएं कि कैसे हम क्या क्या सुझाव हैं और क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उन प्रॉब्लम्स को। और जहाँ जहाँ भारतवर्ष में इस तरह के सॉल्यूशंस को उठाया गया है, उस तरह उसको भी डॉक्यूमेंट करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो वो वहाँ कैसे हुआ है, और उसको हम हिमाचल में या शिमला में किस तरह से यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।